हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11s के अंदर। और इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो स्प्लिट स्क्रीन होती है वो इनेबल करनी है तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन कैसे करेंगे, आपको डुअल स्क्रीन करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन इनेबल करने के लिए जो आपके रिसेंट टास्क में होते हैं उन्हें आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से जैसे आपने ओपन कर लिया, हमने ये ओपन कर लिया, अब आपको यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन जो रिसेंट टास्क में है वो आप देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको जिन पे आपको ये एक लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, बराबर में आपको डुअल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। ये जिस पे आपकी ऑन है केवल आप उन्हीं पर सपोर्ट कर सकते हैं इसे डुअल स्क्रीन के लिए, सारे एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं करेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से जिनमें आपकी ये शो करती है केवल आप उन्हीं में से यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको भी हमारे यहाँ से आपको यूज करके बता देते हैं। जैसे हमारा ये डायलर में है, सिंपली हम इस पर टैप कर देते हैं, इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं कॉल ब्लॉक के हैं। अब हमें आपको नीचे एक एप्लीकेशन कोई अदर यूज करना हो, जैसे हम अपने यहाँ से ये इसकी आप कर सकते हैं। नीचे हमारे वीडियोज़ हैं, ऊपर आपका डायलर ओपन है, इसमें आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, नीचे से हम आप देख सकते हैं हमारी वीडियो मैनेज हो रही है। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप डुअल स्क्रीन इनेबल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलकन प्रेस करें न भूलें, ताकि अपन वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।